वेलकम टू टागी विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी अपनी भर्तियों में बड़ा बदलाव करने वाला है, जिसमें से एक भर्ती है राज्य कृषि सेवा एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें क्या बदलाव हुआ है और इसका नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से, और इसके पिछले साल के नोटिफिकेशन से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि बड़ा बदलाव हो गया है, कौन सा बदलाव ये हुआ है और भर्ती जो है वो किस तरह होने वाली है आप लोगों की। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो जो है लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा, और कमेंट करने से पहले आप लोग वीडियो पूरा देखें उसके बाद कमेंट करें, ठीक है। आप लोग आधा वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर कमेंट करने लगते हैं, और आधा वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी कि राज्य कृषि सेवा जो है इसका विज्ञापन जो है वो लटका हुआ है, इसके जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव होने जा रहा है इस वजह से। तो इससे रिलेटेड आज क्या न्यूज़ निकल गई है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब 6 भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ लिखी है, ये टेलीग्राम पे भी डाला था। और दूसरी न्यूज़ ये दूसरे न्यूज़पेपर में है, आयोग की 6 भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से। तो इसको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यूपीपीएससी सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% व साक्षात्कार के 25% अंक मेरिट से जुड़ेंगे, मेरिट में जुड़ेंगे। और इसके लिए यहाँ पे इस न्यूज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा जो स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। तो 6 प्रकार की भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी, सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियाँ की जाएंगी। और आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ भर्तियाँ केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है, ठीक है। तो और कुछ लिखित व साक्षात्कार से, जबकि कुछ पदों पर चयन प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होना है। इसके आगे लिखा हुआ है, जो भर्तियां स्क्रीनिंग व साक्षात्कार से होंगी उनमें स्क्रीनिंग के 75% और साक्षात्कार के 25% अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। इन भर्तियों में सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी व आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पर अभी स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होती थी पर अंक नहीं जोड़े जाते थे, ठीक है, अंक नहीं जोड़े जाते थे स्क्रीनिंग परीक्षा के। तो चयन केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होता था। स्क्रीनिंग छटनी के लिए होती थी, तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा जो पीसीएस का एग्जाम होता है, इसमें साक्षात्कार वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी व न्यायिक सेवा सम्मिलित जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रारंभिक मुख्य व साक्षात्कार से होगी। तो यहाँ पे देखिए, 4 तरह का अब जो है ये बनाया गया है। पहला नंबर जो है वो कुछ भर्तियाँ जो हैं वो सिर्फ साक्षात्कार से आपकी होंगी, उन भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और कुछ भर्तियाँ हैं जो केवल लिखित परीक्षा से होंगी, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये साक्षात्कार वाली हैं और ये लिखित परीक्षा वाली हैं। इसके अलावा कुछ भर्तियाँ जो हैं जो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है, और उसके साथ इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। मतलब ये भर्तियां जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सिर्फ परीक्षा के आधार पे, ये सिर्फ साक्षात्कार के आधार पे, और कुछ भर्तियां जो हैं जिसमें लिखित व साक्षात्कार के आधार पे, जबकि कुछ भर्तियां जो हैं उनमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार इस आधार पर होंगी, ठीक है। तो ये 4 तरह का बना दिया गया है, ठीक है। एक साक्षात्कार, दूसरा लिखित परीक्षा, और तीसरा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, और चौथा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ठीक है। तो इस तरह से 4 भागों में ये बांटा गया है, जो प्रारंभिक और मुख्य और साक्षात्कार है उसमें आपकी पीसीएस की भर्ती है। अब बात करें राज्य कृषि सेवा एसटीए की भर्ती जो आपकी है, तो इनमें विशेष तौर पर ये 2 भर्तियों के लिए लिखा हुआ है, 2 प्रकार के पद केवल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पे इसका विश्लेषण अच्छे से दिया गया है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। 4 तरह का विश्लेषण दिया गया है, ये जो है कुछ भर्तियाँ लिखित, साक्षात्कार,
कुछ भर्तियां सिर्फ साक्षात्कार, कुछ भर्तियां सिर्फ लिखित, कुछ भर्तियां लिखित और साक्षात्कार, कुछ भर्तियां प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, ठीक है। और यहाँ पे जो राज्य कृषि सेवा के बारे में लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, ठीक है। तो इसमें ये बदलाव किया जा रहा है कि आप लोगों का एक ही एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, दो प्रकार के पद केवल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन और परीक्षा बार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा शामिल है, ठीक है। और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की बात करें तो इसमें दो तरह की भर्तियाँ आती हैं, एक तो आपकी ए ग्रेड की और दूसरी बी ग्रेड की, ठीक है। तो जो ए ग्रेड की हैं उसमें आपका होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। और जो आपकी बी ग्रेड की एसटीए की वैकेंसी जो होती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, उनमें प्री और मेन होता है और इंटरव्यू नहीं होता है। पिछले साल जब वैकेंसी आई थी 2020 में पिछली बार, तो इसी आधार पे ये परीक्षा ली गई थी। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है 2020 की वैकेंसी का, जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा है उसका 2020 में ये वैकेंसी आई थी, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए परिशिष्ट चार में प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इसके बारे में लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, इसको देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र इसका रखा गया था, जिसमें से जो आपके प्रश्नों की संख्या जो थी वो 120 थी, जिसमें कृषि के 80 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, ठीक है। और बाकी जो 40 क्वेश्चन थे वो आपके जीके जीएस के थे सामान्य अध्ययन के, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका समय 2 घंटा था, ठीक है। ये प्री के बारे में है, ये प्री के बारे में है। और मेन की बात करें, इसमें 2 प्रश्न पत्र थे आपके प्रथम और द्वितीय। तो मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे आप लोगों के, जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध परम्परागत था, और द्वितीय में वैकल्पिक विषय था। तो वैकल्पिक विषय जो आपका रखा गया था वो देखिए, जो इसमें जो प्रथम खंड जो है प्रथम प्रश्न पत्र का जो बात करें तो इसमें हिंदी और निबंध ये दिया गया है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो वैकल्पिक विषय था ये आपका था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो एसटीए की वैकेंसी थी, जो अलग अलग विभाग की जो वैकेंसी थी उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे अपने विभाग के हिसाब से। जैसे कि ये एक नंबर पे ये वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, ये वनस्पति शाखा, तो इसमें जो था आपका कृषि वनस्पति अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन था, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें तो ये जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसमें एग्रोनॉमी का सिलेबस दिया गया था। इसके अलावा जो आपका पौध संरक्षण था इसका अलग से ये सिलेबस दिया गया था। जो रसायन विज्ञान रसायन शाखा का था उसका अलग, विकास शाखा का अलग, इस तरह से अलग अलग ये सिलेबस डिवाइड था हर एक पोस्ट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट वाइज। तो अब हम यहाँ पे न्यूज़पेपर की माने तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। जो एक परीक्षा होगा उसे प्रारंभिक या मेन जो भी बोल सकते हैं, उसके नंबर जुड़ेंगे। पहले जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें नंबर नहीं जोड़े गए थे, उसके आधार पे मेरिट नहीं बनी थी, वो सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा थी। और यहाँ पे अब स्क्रीनिंग परीक्षा या मेन परीक्षा बोलें, एक ही परीक्षा होगी, उसके अंक जुड़ेंगे। और जिन भर्तियों पर इंटरव्यू हैं उसके इंटरव्यू लगाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जिन भर्तियों पर इंटरव्यू नहीं है उसके सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 परीक्षाएं नहीं होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है अब। और जो सिलेबस है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे, जो प्रारंभिक का सिलेबस था वो 80 नंबर एग्रीकल्चर, 40 नंबर जीके जीएस, और मेन परीक्षा में हिंदी था आपका, हिंदी निबंध वगैरह। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट जिस डिपार्टमेंट का था उससे रिलेटेड, तो इन सभी को एक ही में कंबाइंड करके सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये एक एग्ज़ाम जो है इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी जो है जीके जीएस और हिंदी और एग्रीकल्चर ये सभी मिला दिया जाएगा या क्या रहेगा, ये तो तभी आपको पता चलेगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो उसमें ये सिलेबस डिटेल में दिया रहेगा। तो अभी ये पाठ्यक्रम में जिस तरह का ये बदलाव हुआ है इसमें सिर्फ आप लोगों का एक एग्ज़ाम होगा, और जिन भर्तियों पे इंटरव्यू हैं उनका इंटरव्यू होगा, बाकी सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर मेन परीक्षा जो है वो ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, और उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। इसी वजह से आप लोगों का विज्ञापन जो है वो लेट हो रहा है, और जैसे ही इसका नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा वो जल्द से जल्द ये आप लोगों के विज्ञापन जारी कर दिया जाएंगे। ठीक है, एक तो एई का ये सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा और दूसरा राज्य कृषि सेवा, ठीक है, तो इन दोनों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो ये हो गई पूरी जानकारी। आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।